मंत्री पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है ये, प्लीज प्लीज आपने स्पष्ट कर दिया। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी प्लीज, आपने आपने बोल दिया, प्लीज प्लीज हो गया, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, आपने बता दिया, प्लीज। माननीय दिग्विजय, माननीय सभापति महोदय, अभी विद्वान हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो अपना भाषण दिया वो मूल रूप से उसी विचारधारा पर केंद्रित था जिस विचारधारा से वे आते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर इस देश पर राज किया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में जिस प्रकार से फूट डालो और राज करो की बात कर रहे हैं उसी पर उनका पूरा भाषण केंद्रित था। मैं तो उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, उन्होंने 500 वर्षों बाद भगवान राम को उन्होंने स्थान दिलवाया, 500 वर्षों बाद। नरेंद्र मोदी जी इतने महान हैं कि 500 वर्षों बाद भगवान राम को वो मंदिर में ले आए, लेकिन 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 नीरव मोदी जैसे लाखों करोड़ रुपए लेकर भागे हुए लोगों को वापस नहीं ला पाए। लोग कहाँ है, वो लोग जो आपने वादन वापस लाएंगे, भगोड़ों को वापस लाएंगे, कहाँ है वो आप? बात वही है, इन्होंने केवल अपने पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब भगवान राम के भक्तों को आप बांट रहे हैं। ये मैं आपसे कह देता हूँ, मैं आपसे कह देता हूँ, सीट पर बैठ कर ना बोले सभापति महोदय। अब मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर जहां बाबरी मस्जिद तोड़ी वहां नहीं बनाया, वो जहां कांग्रेस पार्टी ने भूमि अधिग्रहित की थी और जहां शिलान्यास कराया था वहां मंदिर का निर्माण कराया है। इनका वही मंदिर वहीं बनाएंगे का कारण ये था कि जब तक मस्जिद नहीं टूटेगी तब तक इनका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यही भारत जोड़ो यात्रा हमें, हम लोगों ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का संदेश लेकर राहुल गांधी आज यात्रा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, हमेशा नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बाद में जोड़ा सबका विश्वास, और अब कह रहे हैं सबका प्रयास। मैं तो आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हर पहलू पर मोदी जी विफल हुए हैं। हाँ, इन्होंने बहुत सारी सफलताओं का उल्लेख किया है, लेकिन वो सारी योजनाएं जिन पर ये सफलता का श्रेय ले रहे हैं, ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रारंभ की जा रही योजनाएं थी जिनको अलग अलग नाम दे दिया गया। जनधन की बात की, जनधन का नाम बदला गया, लेकिन छोटे छोटे खातेदारों का खाता खुलवाने की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बात सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सर ये कुछ का साथ कुछ का विकास और कुछ का विश्वास, ये कुछ का साथ कुछ का विकास और कुछ का विश्वास इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये बड़े नतीजों की बात करते हैं, 200 पार 300 पार, लेकिन प्रतिशत वोट 40% से कम आते हैं। इसलिए कहां से कह दिया सबका साथ सबका विश्वास? विश्वास माननीय सभापति महोदय तब होगा जब इस देश के हर वर्ग हर धर्म के पालन करने वालों लोगों का ये विश्वास अर्जित करेंगे। इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में एक बिल्कुल असत्य बयान दिया है, उन्होंने कभी नहीं कहा जिस बारे में इन्होंने उनका उल्लेख किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के तीन ब्रह्मास्त्र है, तीन हथियार है। पहला अस्त्र है ईवीएम, दूसरा हथियार है धर्मांधता, और तीसरा हथियार है ईडी आईटी सीबीआई एनआईए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन सफल लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष माननीय चुनाव आयोग आवश्यक है। आज
मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोगों के मन में एक ईवीएम के बारे में जन विश्वास कम होता जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। 28 पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ प्रश्न चुनाव आयोग के सामने रखे। नरसिम्हा जी हमारे बैठे हुए, इन्होंने खुद ने किताब लिख डाली थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग का आज व्यवहार निष्पक्षता से है क्या? 28 राजनीतिक दलों ने उनसे मिलने का समय मांगा, 6 महीने में माननीय चुनाव आयोग को 28 पॉलिटिकल पार्टी से मिलने का समय तक नहीं मिला। हम ऐसे चुनाव आयोग पर कैसे भरोसा करेंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां उच्चतम न्यायालय ने अपना सुझाव भेजा कि चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के, उनको भी उसका समिति का सदस्य बनाया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी को रास नहीं आया और उन्होंने यहां से बिल पास करा लिया। जब सारे विपक्ष के संसद सदस्यों को उनको उन्होंने निष्कासित कर दिया और क्या किया कि प्रधानमंत्री जी के अलावा प्रधानमंत्री जी द्वारा मनोनीत मंत्री भी उसका सदस्य होगा। इसका मतलब कि 3 सदस्यों में 2 जब प्रधानमंत्री जी द्वारा होंगे तो उससे क्या उम्मीद की जाए। और यही नहीं है, आज ये बात साफ हो गई है कि BEL के अंदर 4 डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति किनकी हुई है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। सभापति जी महोदय, हमारी मांग क्या है? आज कंप्यूटर साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारा जो मकसद है वोट डालने का, क्या वो उसका निर्णय हमको मिलता है क्या? आज सॉफ्टवेयर निर्णय करता है कि आपको मशीन क्या नतीजा देती है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग यह है कि माननीय चुनाव आयोग को वो सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। हमारी क्या मांग है? ये मेरा अधिकार है एक वोटर के नाते अधिकार है कि मैं जिसे वोट चाहूं उसको वोट पड़े। महोदय, कि इस पूरे विश्व में केवल 5 देश ऐसे आज हैं जहां ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहा है, उसमें से ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो पब्लिक डोमेन में है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल से, क्या कारण है कि वो सॉफ्टवेयर बताने में क्यों इतने परेश करते हैं? क्या डर है उन लोगों को? आज जब मांग उठ रही है जनमानस में चारों तरफ से कि हमें ईवीएम नहीं चाहिए, उस समय पूरे देश में ईवीएम का प्रचार करने के लिए चुनाव आयोग प्रदर्शन कर रहा है। अरे, हमें प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमें हमारी बात इतनी सी मान लीजिए, या तो आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने AICC रेजोल्यूशन में अपना मत रखा था उस पर हम आज भी कायम हैं। और यदि आपको ईवीएम से इतना ही प्रेम है तो आप हमारे हाथ में VVPAT स्लिप जब नीचे गिरती है तो उसको हमारे हाथ में दे दीजिए और हम जाकर मत पेटी में डाल देंगे। इसमें क्या ऐतराज होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय? मैं आपसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि दूसरा हथियार इनका धर्मांधता का है, धर्म से इनका कोई नाता नहीं है। हिंदुत्व एक आइडेंटिटी थी, सावरकर जी ने जिसको नाम दिया था, और उन्होंने खुद ने कहा था इसका कोई धर्म का लेना देना नहीं है। लेकिन बिना धर्म का उपयोग करे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में चुनाव में नहीं जा सकती। और यहां तक कर्नाटक के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी खुद, उन्होंने वहां पर आम सभा में कहा, बजरंग बली का नाम लो और कमल के फूल पर बटन दबाओ। चुनाव आयोग, माननीय सभापति महोदय, मेरी आपत्ति इस बात की है कि अगर छोटी मोटी बात भी अगर कोई और अन्य दल का कर देता उसको नोटिस मिल जाता, लेकिन खुले रूप से नरेंद्र मोदी जी ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन किया है, अब इसमें सेक्शन 123(3)(3)(a) का, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? आज भी
पूरे देश में धर्म के नाम पर ये व्यवसाय कर रहे हैं, वो राम मंदिर का निर्माण जो कि नरसिम्हा राव जी ने रामालय ट्रस्ट को सौंपा था, चार वो शंकराचार्य और स्वामी रामानंद चार्य के रामनिशाचार्य जी, पांच लोगों का रामालय ट्रस्ट बनाया, उसके हाथ में क्यों नहीं दिया? किसको दिया? विश्व हिंदू परिषद के हाथ में, और विश्व हिंदू परिषद के हाथ में देकर निर्मोही अखाड़ा जो पूरे तरीके से 10 मिनट नहीं नहीं 5 मिनट तक हो गए जो हमारे पास सूचना थी, 10 मिनट के लिए। सर देखिए, आपने देखिए मेरी बारे में, सर मेरी आप 5 मिनट का समय और दीजिए, दो बातें मुझे और करना है। आपको 5 मिनट दिया गया था, ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट समय तय था आपके लिए। देखिए देखिए बात यह है, आप कौन, बात यह है हमारे हमारे लीडर, अब कोई समय ही नहीं, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन का समय हमारे इसमें नहीं रखा जाना चाहिए, जो यहां क्योंकि वो उनका अधिकार है। अभी जो नियम तय है उसी के अनुसार चलेंगे, प्लीज आप करें। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन हो रहा है, उस पर कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज तीसरा हथियार इनका है ईडी आईटी सीबीआई एनआईए का, इसमें मोदी जी को कहते हैं मेरी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी का एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। भोपाल के अंदर उन्होंने भाषण में कहा कि मेरी मोदी गारंटी, ये महाराष्ट्र के नेता, उन पर 70,000 करोड़ का घोटाला है, उनको मैं जेल भेजूंगा। लेकिन 3 दिन बाद क्या हुआ सभापति महोदय? जेल भेजने के बजाय उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। देवेंद्र फडणवीस कहते थे दादा चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, आज दादा जेल में नहीं, महाराष्ट्र के मंत्रालय में बैठकर मोदी जी गारंटी कर पीसिंग 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 कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी दल एंटी पुअर है, शुरू से रही है, कोई नई बात नहीं है, पूरे कॉर्पोरेट्स के पक्ष में इनका पूरी रही है पूरा, और इसीलिए कि हमारे जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स में असमानता दूर करने का निर्णय था, उससे अलग अमीर और गरीब का असमानता बढ़ती चली जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इसके बहुत सारी बातें हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पूरे देश में जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट वो लोग हैं उनको जेल भेजा गया। आई टेक 2 मिनट्स मोर, नो नो सर, 2 मिनट्स प्लीज, 2 मिनट्स मोर सर, 2 मिनट्स ऑलरेडी गिवन यू, प्लीज होल्ड इट अप विद वन, आई कंक्लूड सर, आई हैव स्पोक, आई हैव स्पोकन टू चेयरमैन सर, सर मैं उसके दादी समय दे रहा हूं ऑलरेडी, प्लीज आई टेक 2 मिनट्स, कंक्लूड, नो ओनली 2 मिनट्स, प्लीज प्लीज कंक्लूड, ओनली 2 मिनट्स, आई एम कंक्लूडिंग, कंक्लूड सर, पूरे देश में एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट स्टूडेंट्स इनको अपराध लगाकर बेल नहीं दिया गया, क्या भीमा कोरेगांव के हो, सीएनआरसी के हो, जेएनयू के, इनके सबके खिलाफ कार्रवाई की। मैं आपसे अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, इस देश एनडीए के अलायंस पार्टनर्स, बीजेपी के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके लिए मेरी एक जो कविता 1940 में लिखी गई थी, उनमें पढ़ के सुन, वो उसमें खत्म कर रहा हूं, वो वेबसाइट वो पेस्टा मार्टिन न्योमनर ने लिखी थी, फर्स्ट दे केम फॉर द सोशलिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वाज नॉट अ सोशलिस्ट, थैंक यू, देन दे केम फॉर कम्युनिस्ट, आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट बिकॉज आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई डिड नॉट स्पीक आउट, थैंक यू, देन दे केम फॉर ज्यूज, आई वाज नॉट अ ज्यू सो आई डिड नॉट स्पीक आउट, बट व्हेन दे केम फॉर मी, केआर सुरेश रेड्डी जी, नो वन लेफ्ट फॉर माननीय श्री केआर सुरेश रेड्डी, प्लीज